आज मैं दाल बुखारा बनाने जा रही हूँ और एक सीक्रेट बताऊँ, ये दाल बुखारा या दाल मखनी कह लो सिर्फ 3 मसालों से बनेगी, हमारी रेड चिली, हमारा कोरिएंडर पाउडर और हमारा गरम मसाला। और यकीन मानिए बिल्कुल बाजार जैसी बनेगी, एकदम यम्मी और टेस्टी। तो एक काम करते हैं, किचन में चलते हैं और इसे बनाते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगी, आप प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए कि आप मेरी नेक्स्ट रेसिपी किसके ऊपर देखना चाहते हैं या क्या बनवाना चाहते हैं, तो मैं वो ही ट्राई करूंगी और बनाऊंगी सिर्फ आपके लिए। तो चलते हैं। मैंने उड़द दाल और राजमा अराउंड 6 आवर्स के लिए भिगो के रखे थे, तो अब हम इसको प्रॉपरली क्लीन कर लेंगे और प्रेशर कुकर में बॉईल करेंगे, 5 to 6 विसल्स लगवाएंगे। मैं थोड़ा सॉल्ट भी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर ताकि वो दाल के साथ मिक्स हो जाए बॉईल होते हुए। जब तक हमारी ये दाल बॉईल हो रही है हम तब तक अपना तड़का लगा लेते हैं। मैं कढ़ाई में 4 टेबलस्पून देसी घी डाल रही हूँ, आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं लेकिन देसी घी से टेक्सचर और स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसमें अपने फाइनली चॉप्ड अनियंस ऐड कर रही हूँ और इनको प्रॉपरली अच्छे से मिक्स करूँगी। हम अपने प्याज को अच्छे से भुनेंगे जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, और साथ में ही मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर दूंगी। साथ में मैं 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से भूनूंगी। मुझे इसे भूनते हुए 5 to 6 मिनट्स हो गए हैं और ये देखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन भी हो गए हैं। तो अब मैं एक काम करूँगी, अपनी टोमेटो प्यूरी ऐड करूँगी और इसको अच्छे से प्याज के साथ भूनूंगी जब तक टोमेटो अपना ऑयल ना रिलीज़ कर दे। हमारे प्याज और टमाटर अच्छे से भुन चुके हैं, तो अब हम इसमें अपने 3 बेसिक मसाले ऐड करते हैं जो कि रेड चिली, कोरिएंडर पाउडर और गरम मसाला। और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमारा मसाला रेडी है, इसमें मैं अपनी बॉइल्ड दाल ऐड करूंगी और फिर इसको अच्छे से मिक्स करूंगी अराउंड 5 to 6 मिनट्स तक। साथ में थोड़ा पानी ऐड करूंगी क्योंकि ये वाली दाल थोड़ी थिक हो जाती है, स्टार्च छोड़ती है, तो पानी ऐड करें आप भी अपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। अब मेरी दाल में उबाला आ गया है, अभी भी मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और पकाऊंगी अराउंड 2 to 3 मिनट्स। अब मैं इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून, इससे हमारी दाल का टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। हमारी दाल ऑलमोस्ट रेडी है, एक इसका लास्ट तड़का लगा लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून बटर लिया है और इसको हम मेल्ट करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम में वरना बटर हमारा जल जाएगा। अब मैं इसमें अपना रेड चिली पाउडर डालूंगी और साथ में ही एक रेड चिली डालूंगी। बस हमारा तड़का रेडी है, इसको अच्छे से एक बार ये हिला लेते हैं। अब हम अपने तड़के को ऐसे ऊपर दाल में डाल लेते हैं। हमारी दाल बिल्कुल रेडी है, इसको मैं गार्निश कर रही हूँ फ्रेश कोरिएंडर लीव्स के साथ और फ्रेश क्रीम के साथ। हमारी ये यम्मी दाल बिल्कुल रेडी है,
आप इसे सर्व करें रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, पराठों के साथ या चावल के साथ और इंजॉय करें। आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी? आपने देखा ना, सिर्फ 3 मसाले हैं। जी हाँ, सिर्फ 3 मसाले। तो आप, मैं चाहती हूँ कि आप ये रेसिपी ट्राई करें, आप खुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं और मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट